पोखर से बैंक छलांग मारता है ना, जहाँ पानी देखता है वहाँ अपना वहाँ घुस जाता है, वही बैंक से तो कभी हम डरने वाले नहीं हैं। और उनको हम सबक सिखाएंगे, यदि हमको टिकट मिलेगा ना तो उसको कितना 50,000 से वोट के मराएंगे। हर समाज का बेटा भी बन के बेटी भी बन के अभी तक हम समाज सेवा करते आए, जब समाज का आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा, तो निश्चित विधानसभा से लोकसभा तक आदमी पहुँच जाए। मेरे ही पार्टी से गए हैं ना, पहले पार्टी में थे और कुछ दिन के लिए टिकट के लिए वो आए थे, वो गिरगिट है। एनी टाइम टिकट के लिए ही यहाँ से यहाँ कूदते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, इस पोखर से इस पोखर से बैंक छलांग मारता है ना, जहाँ पानी देखता है वहाँ अपना वहाँ घुस जाता है, वही बैंक है वो। आ गिरगिट भी है, रंग भी बदलता है, ये पोखर से ये पोखर जो बैंक भागता है उसी तरह से वो बैंक है। यहाँ से यहाँ भागेंगे, पहले लोजपा में थे, फिर मैंने RJD में आए, अब BJP में गए। कहीं से वो जीतेंगे नहीं, जो आदमी का अपना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, अपना जगह नहीं पकड़ता, वह आदमी जीत नहीं पाएगा। आप रंग बदलते रहिएगा तो आप सब दिन से रंग बदलू कहेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे एक पार्टी एक लाठी एक मैंने जैसे हम ही हैं। जैसे RJD से लड़े थे, निर्दलीय भी हम लड़े जी, मगर ये नहीं है कि पार्टी के हम बदल दिए लड़े, चूँकि मेरा घर है, वह मेरा घर है, हायाघाट मेरा घर है, इसलिए अपना घर तो हम किसी को नहीं घुसने देंगे, इसलिए लड़े थे। और फिर लड़ने के लिए हम तैयार हैं, छोड़ेंगे अपना घर तो हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन चौधरी जी आपके दल में थे और बिहार सरकार के मंत्री से टक्कर हुआ था बहादुरपुर से, और अब काफ़ी कम वोटों से जीते थे, क्या लगता है अगर जीत जाते तो भी जा सकते थे? तब भी जा सकते थे। अब ये देखिए ना, अभी जस्ट देखिए सरकार बनते बनते मेरी रह गई, क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हैं, जो जहाँ से आया था आदमी फिर सिर्फ टिकट के लिए आया, फिर वहीं चला गया। जो अपना हम भी यही माननीय नेता से भी कहेंगे, आप समझिए कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। सिर्फ टिकट के लिए जो लोग आएगा उसी इसी तरह से आएगा और फिर जाएगा, टिकट भी ले लेगा, आपसे जीत भी जाएगा और फिर जाके BJP में मिल जाएगा, जाके JDU में मिल जाएगा। अभी सरकार बनते बनते बन रुक गया ना, तो वो अब BJP में जाकर के BJP से भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मजबूती से लड़ेंगे, हम महागठबंधन के साथी हैं, मेरा नाम गीता देवी है, हम रोड से लेके मैंने क्या बताएं, हम घर घर जाते हैं, हर महिला से लेकर हर पुरुष तक मुकाबला करने वाली महिला है। तो वो क्या है, वो क्या है, उनसे तो कभी हम डरने वाले नहीं हैं, और उनको हम सबक सिखाएंगे, यदि हमको टिकट मिलेगा ना तो उसको कितना 50,000 से वोट से हम हराएंगे उनको। टिकट यदि महागठबंधन से हमको मिल जाता है तो हायाघाट से 50,000 वोट से हम RK चौधरी कहाँ रहेंगे, इतना जान लीजिए। उनको टिकट यदि हमको मिल जा रहा है तो 50,000 वोट से हराएंगे, क्योंकि हम घर घर जाके हर महिला के साथ मजबूती के साथ हम हैं, हर समुदाय के साथ हम मजबूती के साथ हैं, और OBC के साथ, अति पिछड़ा पिछड़ा सभी के भाई बहनों के साथ मजबूती के साथ हम रहते हैं, हर दुख सुख में रहते हैं, पटना से लेकर दरभंगा तक, क्योंकि इसलिए मजबूती के साथ रहते हैं, हर दुख दर्द में रहते हैं। मेरा दामाद डॉक्टर है IGMS में, और एनी टाइम समाज के यदि भी कहीं भी ज़रूरत पड़ता है पटना के, तो पटना में कोई जाता है तो मेरे घर पर रुकता है, पटना मेरा घर है, पटना में आदमी रुकता है, वहाँ से हम अपना नमाज के थ्रू समाज के सेवा करते हैं। आप तो बेटा भी पदाधिकारी हो गया है और पति तो इंजीनियर हैं ही, आ समाज मेरा समाज में ही मन लगता है। हम जानते हैं कि समाज से बढ़कर कोई नहीं है, और मेरा काम रह गया, सब अपना अपना पद पर है, मेरा समाज ही सेवा निश्चित है और समाज ही सेवा करेंगे, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी किए, बहुत सारा मेरा महान सबसे बहुत महान महान आदमी मेरे समाज में बहुत सारा सेवा किए। जरूरी नहीं है कि लोग नेता ही बने, और घर समाज का बेटा भी बन के बेटी भी बन के अभी तक हम समाज सेवा करते आए, जब समाज का आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा, तो निश्चित विधानसभा से लोकसभा तक आदमी पहुँचता है।